अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मेरा नाम है एहसन सरवर और आप देख रहे हैं जोर प्रॉपर्टी वीलॉग्स। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। ये आपको एक फ्रंट दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्यारा फ्रंट व्यू बना हुआ है। ये 6 महल की कोठी है, इंतहाई खूबसूरत कोठी है और फ्रंट व्यू भी आप देख रहे हैं इंतहाई खूबसूरत है। ये आपको गली का मंजर दिखा रहा हूँ, आबादी के बीच में है और इसकी लोकेशन भी आपको अभी बताता हूँ। ये देखें गाड़ियाँ इधर खड़ी हैं, ये गली में गाड़ियाँ खड़ी हैं, फिर भी इसके अलावा इतनी जगह है कि चिंची गुजर जाती है। अच्छा दोस्तों ये आपको बताता चलूँ, ये 7 दूसरा डोर है, ये सेपरेट डोर है स्टेयर केस की तरफ। अगर कोई किराए पे रेंट आउट करना चाहे तो इस हिस्से से ऊपर वाला पोर्शन रेंट आउट कर सकता है, यानी कि अलग से दरवाज़ा इन्होंने दिया हुआ है। और ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है, तो चलिए आपको अभी अंदर से मैं विज़िट करवाता हूँ। दोस्तों कोठी अंदर से विज़िट करवाने से पहले आपको ये रोड का मंजर दिखाता हूँ। शर्मा रोड पे खड़ा हूँ, ये अभी आपने बोर्ड देखा, बोर्ड के साथ ये गली में अंदर दाखिल होके अभी थोड़ा जूम करता हूँ। वो सामने आपको बिल्कुल सामने नीले रंग का बोर्ड नज़र आ रहा है, इससे लेफ़्ट साइड पर टर्न लेना है, थोड़ा सा आगे जाके दूसरी गली में दाखिल होके आगे जाके कोठी है। तो ये भी आपको ये रोड का मंजर दिखा रहा हूँ। रोड का मंजर दिखाने के बाद आपको अंदर से कोठी बकायदा विज़िट करवाता हूँ, तो ये आप रोड का मंजर देख सकते हैं। तो चलिए आपको अभी अंदर से दिखाता हूँ। दोस्तों ये गैराज, बड़ी गाड़ी का गैराज है ये। गैराज भी काफ़ी हवादार है और रोशन है। ये एंट्रेंस डोर, ये अभी हम टीवी हॉल में एंटर हो गए। टीवी हॉल भी काफ़ी हवादार रोशन है। ये सामने किचन अभी आपको दिखाता हूँ, एक ये सामने रूम है और एक वो सामने रूम है। तो चलिए अभी आपको रूम से दिखाना शुरू करता हूँ। तो दोस्तों ये रूम है हमारा पहला रूम, 8 वॉशरूम के साथ। ये वॉशरूम टीवी हॉल से भी अटैच है और इसके साथ ये वेंटिलेशन विंडो, ये देख सकते हैं दोनों रूम के साथ अटैच है वेंटिलेशन विंडो। अभी ये हमारा ये वॉशरूम बता रहा था, ये टीवी हॉल से भी अटैच है और साथ रूम के साथ भी अटैच है। अभी चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। रूम का साइज भी बेहतरीन है, 6 मरला में ये कोठी बनाई गई है। ये वेंटिलेशन विंडो, टोटली कवर अप है, महफूज घर है। अभी चलते हैं किचन की तरफ। ये देखिए किचन भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, और ये पीछे है उन्होंने वेंटिलेशन भी दी है ओपन। और ओपन या वेंटिलेशन को भी इस तरह कवर किया गया है कि कोई भी ऊपर से दाखिल नहीं हो सकता। तो अच्छा ये मैं आपको अभी इधर लेके चलूं, ये जो बाइट से आपको मैंने दरवाज़ा दिखाया था ये वो डोर है। मिसाल के तौर पे अगर आप ऊपर वाला पोर्शन रेंट आउट करना चाह रहे हैं तो इधर से वो एंट्री हो जाएगी ऊपर वाले पोर्शन वाले अफराद के लिए, ठीक है जी। ये सेपरेट स्टेयर केस दिया गया हुआ है और इधर से
कोई इस तरफ से अंदर आना चाहे इस तरफ से भी अंदर आ सकता है नीचे वाली मंजिल में। और यह ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है, ड्राइंग रूम के साथ भी अटैच बॉर्डर रूम सीढ़ियों के नीचे दिया हुआ है। यह बॉर्डर रूम देख सकते हैं, इंतहाई ज़बरदस्त। तो दोस्तों चलते हैं अभी अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं पत्थर सीढ़ियों पे लगा हुआ है, बस एक दफ़ा सफाई हो जाए तो इंशाल्लाह बेहतरीन चमक देगा। ये देखें आप, स्टेट केस भी इंतहाई हवादार और खुला स्टेट केस है। ये ऊपर आगे पहला ये हो गया किचन, किचन का साइज भी बेहतरीन है, बड़ा किचन दिया हुआ है उन्होंने। किचन के साथ बालकोनी दी है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये बालकोनी कह ले टेरेस कह ले छोटा, इधर कपड़े वॉश किए जा सकते हैं। ये आपको आसपास का मंजर भी दिखाता हूँ, सामने घरों का आसपास सारी कोठियाँ बनी हुई हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारी लोकेशन है। तो चलिए आपको बाकी घर विज़िट करवाता हूँ। आपने देख लिया ये बेहतरीन काम किया गया हुआ है। अभी चलते हैं बकिया घर की तरफ। ये साथ वॉशरूम का भी साइज बेहतरीन, बड़ा वॉशरूम है। अभी चलते हैं दूसरी तरफ, एक बेडरूम ये हो गया, नीचे दो बेडरूम एक ड्राइंग रूम, ऊपर आके ये एक बेडरूम है, एक किचन एक वॉशरूम। और ये बैक टेरेस ओपन सेम कह लें, खुला छत कह लें। ये ऊपर का मंजर, ये वेंटिलेशन जो ऊपर से कवर की गई है। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अगर कोई मज़ीद मालूमात लेना चाहता है तो मेरे साथ व्हाट्सएप या कॉल पर रब्ता कर सकते हैं। अभी तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।